तो श्रीजन की बात है, मैं एकदम भंड था, तो एम्बर ग्राउंड में अपना चल रहा था सब। तो ऐसे रामू की गाड़ी आ रही थी, ठीक है, तो मेरे एक दोस्त ने अभी मेरे पहला डे को, था क्या? डे शायद से वन भाई, डे वन, डे वन को श्रीजन हम लोग हमेशा पकड़ा है यार, इस बार जब भी, जब इस सीजन रीजन में हुआ भी। ऐसा डे वन को ही पकड़ा तो है। ऐसा सीन अच्छा हुआ, वो मेरे दिन में दोस्त तुम ने जाओगे मजाक में साथ मेरे को में। गाड़ी गाड़ी के सामने धक्का दे दिया, और मैं रामू की गाड़ी पे आके बच गया ऐसे। और मैं भंड हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामू निकलता है बाहर, बोलता है इसको इधर लेके आओ। मेरे को तीन गार्ड ने ऐसे पकड़ लिया हाथों से, कह रहा है इधर आओ। मैंने गार्ड को धक्का दिया और मैं सैक की तरफ भागा, और मेरे पीछे दो तीन गार्ड भाग रहे हैं। लेजेंड में ऐसे भाग रहा हूँ और पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सैक के उस साइड जंगल है ना एक, वहाँ जाके लेट गया मैं सिनेमैटिक। वहाँ। हाँ लेजिट, ऐसा ऐसा था एकदम, लेट गया वहाँ जाके, ऐसे अंधेरे में लेटा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे। अबे निखिल वो बोलन का मेमोरी फुल हो गया थोड़ा, उसने बोला ओ मुझे हो गया भाई, चल ठीक है। नहीं चल ऐसे। हाँ भाई, बच गया था फिर उस दिन में। तो सर आपके ग्रुप का नाम एंड ग्रुप कैसे बना? ग्रुप का नाम है मैड हाउस। आया कैसे मुझे नहीं पता, मिला मैं बताता हूँ, मैं किसी से साथ में नहीं मिला था, मैं एक एक करके मिला था। ये दोनों मेरे सेक्शन में थे, मिला इससे मैं पहली बार इसीलिए था क्योंकि ये मेरे से ज्ञान ने आया था। ऊपर से मैंने आपको जैसे पहले बता दिया आप लोग को कि मेरे को कल्चर वल्चर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था फर्स्ट ईयर में, तो मैं तो हर जगह चप्पल शॉर्ट्स बनाता था। तो ये बंदा फर्स्ट ईयर में आके मुझे बोला था कि भाई सीनियर तेरी मार देंगे, शॉर्ट्स और चप्पल मत आया कर। एकदम स्टोरी उल्टी कर रहा है। यही बोला था तूने? तू बोला था कि तू वहां जा रहा है, तू नहीं बता नहीं उनके बारे नहीं में। ये पहले हुआ तो था, स्टोरी क्लियर नहीं कर नहीं लो। नहीं नहीं यही सीरियस हुआ वन था, कैमरा यही क्लियर हुआ हो था। रही तू बीच पकड़ा में। गया था उसके बाद तू मुझे मिला और तू बोला कि तू वो उनके उनके पास जा रहा, उनके बारे बता क्या है क्या सीन नहीं है। उससे पहले जानते ही कहाँ था तो ये तू? तीन ऐसे फंसने के बाद मिला था। नहीं फंसने हाँ के पहले तेरी मैं मेरी नहीं बात जानता हुई था भाई, थी। फंसने से पहले जानते ही लड़ो था लड़ो भाई। तू तू हाँ हार्ट मुझे कमेंट याद करी है। ज्यादा नहीं, ऑटिस्टिक फंसने के लाइक हो बाद भाई। तू जब फंसा था फिर उससे क्लास में पहले अपनी सोचे लास्ट सोचे में जो बैठ के बात हुई थी, तू बोला कि मैं इनके इनके पास जा रहा हूँ, मैं इनके बारे में एक बताया फिर क्या सीन है। और सपना फिर तू मुझे फिर अगले दिन उसी दिन नंबर में मिला जब तू मुझे फंसा के आ रहा था। नहीं, वो सब नहीं हुआ हाँ था। भाई तुम्हें बोलना है तो फटाफट बोलो। फिर इससे मैं मिला था, इसका बर्थडे था तो मैंने वो इसे मैं ट्रीट मांगी बताऊंगा, थी। सनी वाला तो मस्त वो मैं था। बताऊंगा आज ये ठीक है, इससे इससे मैं वैसे मिला था, थोड़ा बता रहा हूँ जानना मैं। भी नहीं, ट्रीट नहीं बताओ नहीं पहले। उससे वैसे मिला था, वो बताओ, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी इससे किस मिला था ये हाँ ये मतलब मैंने इस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था ये हजार पर आके, ऐसा आज भी एग्जिस्ट करता है। इस सही है। इसको चुल थी सुबह सुबह आके लोगों के बस पीटने की, खटखटाने के रूम पीटने की, तो इसने गलत आदमी के रूम पे खटखटा दिया, पीट दिया, और मैं सो रहा था। और ये आके कुछ अंदर करने की ट्राई कर रहा था तो मैंने उसको वहीं से गाली देके भगा दिया। तो हम लोग पहली बार शायद ऐसे ही मिले थे। अच्छा तभी ऐसे हो। हाँ मैं अभी भी रोज बता मेरे से गाली खाता ही है, कॉन्स्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, मैडा उसका नाम। हम लोग मैं और बुर्रा सोच रहे थे क्या रखना है क्या रखना है, मतलब उस समय नाम नहीं था। तो मैं एक गाना सुना था उसमें मैड हाउस वर्ड आया था, तो मैड हाउस का ग्रुप का नाम, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रख दिया था। और इससे तो हमारी, हम दोनों की तो पहले बिल्कुल नहीं बनती थी एकदम। सबसे मस्त वो नहीं मुलाकात ना नाम, मेरी और सनी की थी सीढ़ियों पे। आहा, वो भी आता हो धीरे धीरे धीरे। तो हाँ निखिल को बोल दे, वो निखिल बोल देगा। नहीं बुरा लग जाएगा भाई उसमें किसी को तो नहीं मतलब बोलना। हम दोनों का ऐसा था, बोलना है क्या नाम तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली। हम लोग के सेक्शन में कि दोनों को ही चैट बनना था क्लास में और ये और थोड़ा ज्यादा उड़ रहा था तो हिट लिस्ट में आ गया था। सेम और फॉर मी। हाँ तो फिर ऐसे करके खुन्नस खुन्नस के कारण फिर वैसे ही मिल लिए थे हम लोग वहीं पे। नहीं, मिले तो सीढ़ियों पे ही थे, पहले तो प्रॉपरली तो गाली दे सीढ़ियों दी, पे गाली मिले दे ना थे। कॉल करके हम लोग की ऐसे तो याद बिल्कुल नहीं है। बनती थी, मतलब एकदम हम लोग क्रॉस थे ऐसे बिल्कुल। जानते नहीं थे लेकिन नफरत करते थे ऐसे, हाँ जानते काइंड नहीं है ऑफ पता नहीं है क्या है क्या नहीं लेकिन नफरत करते थे ऐसे। हमेशा इसको मैं ऐसे अपने पिंक वेस्ट में देखता था, और मैं गरियाता था, जानता भी नहीं था कौन है, लेकिन ऐसे गरियाता था कि ये मैं भी चूड़ू घर है। जाता था कौन है बिहार का बहन का चैट बन रहा, पटना से आके कौन चैट बन रहा, तो सेम था। ए भी तो ऐसा मैं कभी था भी कोई ये रहा इस टाइम तो था ही तो नहीं भाई ये सब कोई रहा नहीं। और इससे भाई निक्कू सुना नहीं था से, यार इतना निक्कू से तो अपन वैसे मिले कि मेरे वो सेक्शन में। टैग अलोंग था, मतलब यहाँ पे किसी एक बंदे का, तो वो आ जाता था और फिर जब रूम में नहीं छोड़ो। अरे नहीं, नहीं नहीं दयान नहीं मेरे से भी ऐसे ही टैग अलोंग बन के आया था, इसके साथ टैग अलोंग हो गया था कि भाई एक सुट्टा पिला दे। पहली बार सुट्टा पिला था। जयान और साबू से मैं पहली बार प्रॉपरली मिला था। शायद मैं बर्थडे की ट्रीट दे रहा था, मेरे बर्थडे के कुछ दिन बाद। इन लोग मेरे सेक्शन मेट से मैंने प्रॉपरली बात नहीं किया होगा, इससे मेरी बनती भी नहीं होगी, लेकिन इन लोग आए ट्रीट मांग, मैं ऐसे चैट था कि हाँ चलो। और उस दिन की हमारे पास फोटो भी, अगर हम लोग साथ साथ में गए थे ट्रीट पे, तो
तो ऐसे हम दोनों मिले थे और फिर D108 में हम लोग एक महीना उसके बाद साथ रहे आई गेस। मैं फर्स्ट टाइम से मिला था तो ऐसा था, मैं भी एकदम सीधा साधा सा था, कॉलेज में आके थोड़ी सी ऐसे बकचोदी सी करनी थी, तो लैब थी मेरे सेक्शन में था, तो ये लैब में किसी कोने में किसी को मशीन को छेड़ रहा था, ठीक है अच्छा तो बस छेड़ना तो छेड़ता है, इससे बात कर लिया, फिर ये इसके साथ मिलकर टी शर्ट बेचने आ गए मेरे कमरे में। मैं बोला मैं डांस में इंटरेस्ट है तो कह रहा था तो करके बता, तो मैं इन दोनों के सामने नाच रहा हूँ। ISM कल्चर, ISM में घुसने का इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट शॉक्स अस द मोस्ट फॉर सम। सो आप लोग का कैसा रहा फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर सीनियर्स आफ्टर एंटरिंग ISM? सबसे पहले सीनियर से तू ही मिला है भाई, बताओ। बोलो देखो मैं आया था कॉलेज में बहुत सीधा आदमी बन के, मुझे पूरा बिगाड़ा है वो मेरे सीनियर। अब मुझे कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं पहले फर्स्ट ईयर में शॉर्ट चप्पल पहन के मेन गेट में सुट्टा मारने चला गया था, अलाउड है बोलना? हाँ सुट्टा तो चला। तो उधर मुझे धर लिया गया था और फिर वहां से इसको स्टील गेट भेज दिया था। गौरव सर बस मेरा तो ऐसे इंटरेक्शन तो है। पहली बार मैं जब सीनियर से प्रॉपरली उनके रूम पे मिला, इस बंदे ने मुझे बोला कि चलो उनके रूम चलते हैं फॉर सम अनवांटेड पर्पस, जो मैं कभी करता नहीं था पहले। उनके रूम गया, मैंने दोनों का नाम गलत बता दिया लेकिन वो घर जा रहे थे तो आई वॉज लकी। लेकिन हाँ वो मेरे बाद में अच्छे सीनियर तो बन गए, लेकिन बहुत फट चुकी थी मेरी। क्वाइट सम अदर स्टोरी, ऐसे हुआ कि बैचमेट्स मिल गए एंड उन्होंने कहा कि चल कुछ ट्राई कराते हैं, ठीक है, और लेके चले गए वो सीनियर के रूम पे दारू पिलाने। एंड पहली बार मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, दारू पहली बार पी रहा हूँ और सीनियर से पहली बार मिल रहा हूँ, पता भी नहीं इसके बारे में। एंड ये बोल कर लेके चले गए कि ये बहुत दारू पिलाता है, देखे चलता। एंड उसके बाद फिर क्या, निकल गए अपन वहाँ पे दारू पी के। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसे था, मतलब ये सब लोग मिलते थे, ये सब लोग मिलते थे सीनियर से, मैं नहीं मिलता था। तो एक दिन तुषार मेरे को आके बोलता है तेरे को मिलना है सीनियर से, मैंने हाँ मिलना है, तो एक असाइनमेंट लिख दे। तो इसको मिला हुआ काम इसने मेरे से करवाया, फिर वो मैं असाइनमेंट लेके ऐसे सीनियर के रूम पे गया और फिर वही सब कंटिन्यूस। भाई साहब इस चीज के लिए बहुत बदनाम है फर्स्ट ईयर में कि अपने काम करवाता है। काम मिलता था हमें दे देता था और सारा क्रेडिट खुद ले लेता था, ट्री टू भी चले जाता था ऐसे। भाई सीनियर से इंटरेक्शन की बात आ रही है मेरे से नहीं। और मैं बीफ कर दूंगा। एंड निखिल सर, तुषार सर, आप लोग मतलब मेरे लिए तो काफी इजी था इंटरेक्शन, क्योंकि मेरी एक्स की दोस्त यहाँ पे थी जो सीनियर ही थी, तो डे वन या इनफैक्ट डे जीरो जो ओरिएंटेशन डे था उसी दिन मैं काफी 15-20 लोगों से मिल ही लिया था, मतलब बैचमेट ज्यादा सीनियर से मिल लिया था उसी दिन, तो काफी स्मूथ रहा था मेरे लिए। तो पहली लाइन बोल के सटल फ्लेक्स भी किया, ये इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंड सर अब जैसे कल्चर का बात किए तो हाउ डिफरेंट इज योर बॉन्ड विद योर जूनियर्स देन विद योर सीनियर्स? मतलब आई फील हम लोग तो अपने जूनियर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे हैं, तो यही एक फर्क था। मतलब उल्टा नहीं, आई वॉन्ट टू डिसएग्री अगर वो सीनियर्स देखे मेरे तो नेक्स्ट ओके। सर एनी पर्टिकुलर ISM ट्रेडिशन दैट यू विल कैरी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? एंड दी मुंह चोदी That is the culture we introduced, I think. Madhouse introduced Muchodi. This is Muchodi. Exactly. चालू हो गई Muchodi. श्रेयान सर का वर्ड था। ठीक है। Muchodi को चलते आ ही रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जिहाद की तरह फैलाए हैं फिर Muchodi को। तो सर BT तो होती है कैंपस में, आप लोगों
सबके सर वही नहीं सर, अगर इफ यू वांट यू कैन से किस चीज की बीटी थी एंड कहाँ आप लोग सब लाइक शेयर करते थे या कुछ एक स्पॉट थी कि हाँ भाई यहाँ मिलते हैं बीटी यहाँ पे ज्यादा शेयर होती है। मोस्टली एक स्पॉट तो DSW ऑफिस फिक्स था, वहाँ पे हम लोग मिलते थे, एडमिन वाले भी मिलते थे एंड काफी वहाँ पे शेयर हो जाता था। एम्बर पोल में कौन सा केक आता था? केक पहले लेटर लिखवाने सर, मेरा रिजल्ट आया नहीं है, मैं इससे ज्यादा नाम भी लूंगा। और किसी को बीटी बोलना भाई, तुम्हारी तो भाई तुम्हारी बहुत बीटी है भाई, तुम बोलो। अरे तो मैं आधे घंटे अभी इधर मिल जाएंगे, बोलो। प्रपोजल जाता था कुछ लोग या कहीं ना कहीं LSD बीटी कैंपस में बीटी। देखो मैं, मेरी तो अगर कोई पर्सनल बीटी होती है बंदी लेके, मेरी बात सुनो, तुम्हारी ये बीटी बीटी लेना सिग्मा मेल की आदत नहीं है। सिग्मा मेल की आदत है बीटी देना, मैं बीटी नहीं लेता सर। उसी का एक्सपीरियंस शेयर कर दी, मैं बीटी नहीं लेता, मेरे DSL में बहुत कांड हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं बीटी नहीं लिया आज तक, तो मैं तो नहीं लेता फालतू की बीटी। मेरी तो अगर कोई पर्सनल बीटी होती है तो ये है, मतलब फर्स्ट ईयर में यही बीटी दिया वो अलग बात है, लेकिन मतलब सीन ऐसे ही होता था कि अपन एक दूसरे को ढूंढ लेंगे रूम वूम में बैठ के, डिस्कशन करना जल्दी से सॉर्ट करके खत्म करो, मतलब अपन साथ में से कोई एक ही होगा मोस्टली, ये तो गारंटी है। हाँ मतलब फटफट चलता, मतलब बात कर लेते थे, और बीटी देने वाला भी मोस्टली हम साथ में से कोई एक ही होगा, ये भी गारंटीड है। जैसे उसका वो पैर दिख रहा है। हाँ सर। तो सर आप लोग ऐसा वैसा कि आप लोग आए थे फर्स्ट ईयर में, आप लोग कैंपस में थे, देन कोविड पड़ गया, देन आप लोग वापस आए, तो सर व्हाट वाज द रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस थ्रू दैट, कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे तो लगता है ये जो हुआ है बेस्ट हुआ है, इससे ज्यादा टाइम तो कॉलेज में चाहिए भी नहीं था। क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, हम लोग बहुत इतना कर लिया है ना कि बस इतना ही करना, मतलब दो साल वाज नहीं एनफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वी हैड फन, चार की जगह पांच, दो साल में तो हम लोग काफी फन लिए थे, इतने आराम से जाते हैं, इससे ज्यादा रहते निपट रहे ना वो, पांच साल में निपट रहा होता है। हाँ अगर हम चार साल रहते ना प्रॉपर तो हम पांच साल रुकते फिर गारंटीड। छह वाले बोल ले After one semester drop. तो सर कैंपस में मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट या आपका या आप किसी फ्रेंड का भी शेयर कर दें। बेस्ड ऑन रीसेंट एक्टिविटीज इसका होगा ना, केसी बताओगे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। बहुत सारे, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं पांडे का तो होगा ना। एक सेकंड मुझे सोचने दो, मुझे जैसे याद भी नहीं आ रहा, वो तो याद एक दूसरे का ही बता दो, याद ही रहते। यही है कि अभी सेकंड ईयर को हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। लग रहा है सवाल नहीं पूछे। एंड सर नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल इंटरेक्शन इन कॉलेज, तू बता रहा तेरा या मैं बताऊं भाई? नोट्स मैं तो नॉट येट, नॉट येट, ओके नॉट येट, लास्ट में ये क्वेश्चन रिपीट करना, हम दोनों के पास बहुत स्टोरी है। फर्स्ट इंटरेक्शन हमने बहुत लोगों को बोला है कि तेरे साथ ही था भाई। सारे पत्ते खुल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इसको लास्ट में पूछना एकदम हाई पे आ जाए। ओके तुम्हें लगे कि तुम्हारा 13-15 मिनट का सूट हो गया, उसके बाद हम लोग 2 मिनट ऐड करेंगे। ओके सर। सर किसी प्रोफेसर या टीए के साथ बवाल हो गया हो कभी? बहुत हुए, बहुत हाँ। देखो मेरे पे अनवांटेड अटेंशन फर्स्ट ईयर में इसलिए ज्यादा था क्योंकि पता नहीं किस
ऐरे गहरे आदमी ने मुझे सीआर बना दिया था। ठीक है ओके सीन ऐसा था, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास फर्स्ट ईयर फर्स्ट बेंच पे मैं बैठा हूँ, पढ़ाई कहीं मेरा इंटरेस्ट था नहीं तो मैं तो अच्छे से रील्स देख रहा था। अब मुझे क्या पता मेरा वॉल्यूम ज्यादा था फोन का तो प्रॉफ सुन लिया। अब प्रॉफ को बहाना क्या दू, प्रॉफ को बहाना ये दिया सर आपका लेक्चर समझ नहीं आ रहा था तो यूट्यूब में खुद से पढ़ने की ट्राई कर रहा था, ऐड चल गया। अब वो इतने भड़क गया और मेरा बैग वैग उठा के बाहर फेंक दिया, मुझे इतनी धमकी देने लगा कि मुझे कॉलेज से निकाल देगा। बस लेजिट हम दोनों उसी क्लास में थे, इसका बैग उठा के क्लास के बाहर है और ये बैठा हुआ है फर्स्ट बेंच पे और हम दोनों हंसी के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट नंबर हमारा भी हो सकता है। हाँ, हम लोग ऐसे हिट लिस्ट में ही रहते थे हमेशा। मैं बता रहा हूँ मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर था, इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल शायद सब्जेक्ट का नाम होगा, तो मतलब मैं मस्त फोन लेके गया था, ये कट कर मत नहीं भी करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब तो मतलब मस्त चीटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, पेपर ख़त्म हो गया, दो घंटे का होगा मिड सेमेस्टर, और लास्ट में मैं दो लड़कियां उधर मेरे सामने खड़ी थी, उनके सामने मैं मस्त चैट बन रहा हूँ कि मैं तो आज फ़ोन से छाप दिया उनको क्योंकि आंसर मैं बता चुका हूँ, मस्त चैट बन गया हूँ मैं, और वो पेपर अभी मेरे रो से कनेक्ट करके बगल वाले रो में ले रहा है मेरा प्रोफेसर। उसने सुन लिया, उसने मेरा पॉकेट पे हाथ रखा, फ़ोन निकल गया। मैं कहा सर मेरा ऑर्डर आया था, और वो लेजिट मेरा फ़ोन लेके मेरा एडमिशन नंबर नाम लेके गया, नाम प्रोफेसर का नहीं लूँगा लेकिन बनना ही था। और उसके रूम में जाके मैं ऐसे कि सर मैं लड़की के सामने चैट बन रहा था प्लीज़ छोड़ दो, वो बोल रहा है कि मैं तो तुम्हारी बैक लगाऊंगा जो भी करूँगा और मैं उसको लेजिट यही बोला हूँ कि सर मैं लड़की के सामने सिर्फ ऐसे कूल बन रहा था, नथिंग एल्स, मैं चीटिंग नहीं किया सर, लगता है क्या मैं चीटिंग करूँगा। बस बताओ भाई तुम रो जाते। अरे मेरा ऐसा सीन हुआ था ना, कम्युनिकेशन वाला ही सब्जेक्ट था अपना, तो मैंने टीए पटा लिया था, तो जो क्विज होते हैं ना हमारे बात कर ली थी अभी, लड़की भी थी वो तो उसके साथ रहता था, बंदी थी तो सीन ऐसा था ना, जैसे क्विज होते ना तुम्हारे, तो मेरे जो दोनों क्विज थे ना वो मैंने ऑफिस जाके दिए थे, अपने आप सारे आंसर देखे, फिर भी ए प्लस नहीं आया था, बस इतना ही था भाई। इकलौता प्रॉपर सी एस यही था, जैसे भी हो प्रॉपर। एंड सर कॉलेज में ग्रेड्स वगैरह का क्या सीन रहा, एकेडमिक नीचे से स्टार्ट करना है या ऊपर से? सर जैसा आपका मन। तुम ऊपर से करेंगे। ठीक है। बेस्ट स्टोरी मैं बताऊं या तू बता? कौन सी वाली कि एक दिन पहले तेरा बैकलॉग लगा फिर आपने? अच्छा ये वाला, ये तो अच्छी। हाँ भाई ये तो मस्त स्टोरी है। मतलब ऐसा सीन हुआ था ना, सेवन सेम में से रिजल्ट आया था तो मेरी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई और मेरा दो दिन बाद इंटरव्यू है, और ऐसा सीन होता है ना बैक लग जाएगी तो आगे और कंपनीज में बैठ नहीं पाऊंगा, और मेरा सेकंड इंटरव्यू है, इतनी घटी हुई थी ना, एड कर देना अपनी वो भी बता दे, पंजा थी दे दी। क्या पंजा? पांच ही बैक दही भाई, पांच ही दीदी, पांच ही तीसरी 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 ये सुना होगा लेकिन रूममेट का सर बेस्ट मेमोरीज विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग नाइट आउट। कहां
राइट आउट तो करते नहीं आप लोग, राइट आउट नहीं, अलाउड है राइट आउट, एक सेकंड अलाउड है, ये क्लिप डालना और ऐसे डीएमडब्ल्यू को मेल भी करना, बोलो नाइट आउट तो करते ही नहीं है, भले ही लेट आए कैंपस में आ जाते सब टाइम साढ़े दस के आसपास, आप लोग करते हैं नहीं वो मैं कैसे, हाँ ठीक है तुम लोग को सुनना है तो सुन, नहीं तो मैं फालतू के फर्स्ट नहीं डालूंगा, तो सुना दे, तो कब की बात है ये, द मोस्ट हर्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम, इसने मेरा कोडिंग टच दिया है इसलिए मैं अभी टेक में नहीं हूँ। हाँ नहीं मतलब चिल है, तो उस दिन हम लोग ऐसे मस्त मेन कैंटीन के पीछे गए थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद हमने बहुत भूख लग गई थी पता नहीं क्यों, तो मैं निकू गए और एक और कोई बंदा मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, चंपारण गए थे। और इसका प्लान था कि आज हम लोग रात भर बाहर रहेंगे, और ये ही वॉज द मोस्ट एंथुसियास्ट पर्सन एट दैट टाइम। फिर हम लोग कैंपस लौटे 9:30 बजे के आसपास, इसके क्लब वाले ने इसके रुक के कि तू तो कॉडी है तू क्यों नहीं है क्लब में, इसको बहुत बीटी दी और इसे क्लब जाना पड़ गया। मैं इसके साथ था, फोटो फ्रीक्स ऐसे मंदारमनी जा रहे थे, और इसकी एक दोस्त थी वो भी जा रही थी, तो उन लोग से मेन गेट क्रॉस नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग उसका सामान लेके हम लोग छोड़ देंगे मेन गेट के बाहर सामान, तो हम लोग उनके साथ गए, और इसका फ़ोन डेड हो चुका है ये क्लब में है, ठीक है, और इसके सारे को कोऑर्डिनेटर्स वगैरह वाकई रूबी पार्क में चिल काट रहे हैं, ये सिंगल था मतलब है, था भी हमेशा। तो हम लोग ऐसे रात के 9:50 पे, मैं साबू एंड दैट थर्ड पर्सन डिस्कस कर रहे थे, उन लोग में से कोई एक बंदा तो या बंदी मुझे बोली कि ऐसे मंदारमनी चलो तुम लोग भी, तो मैं ऐसे सीरियस हो गया, फिसल गया जो भी हुआ। फॉर द रिकॉर्ड किसी ने नहीं बोला था, किसी ने मजाक में बोला था, बस शायद मोहित था वो, अच्छा ओके हाँ तो यही होगा क्योंकि मैं पता है मेन कैंटीन के पीछे गया था, तो कुछ तो किया था मुझे याद नहीं है सब कुछ। तो उसके बाद मैं इन लोग से ऐसे झगड़ रहा हूँ कि चलते हैं, इन लोग बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, सब कुछ, तुमने दोस्त को फोन, और हम लोग फिर ऐसे बात डिस्कस करते करते मेन गेट बंद हो गया, फिर ये तो पूछ नहीं पाया, इसका MCM नहीं आया था, अगले दिन MCM आ गया, इसके पैसे की बीटी थी, अगले दिन MCM आ गया इसका। तो इन लोगों ने प्लान कर लिया ऐसे कि जा रहे हैं, ठीक है, तो अब सनी मेरे को फोन कर रहा है, उसने मेरा मूड बहुत खराब था, और सनी का फोन आता है भाई हम घूमने जा रहे हैं तो कपड़े ले हमारे लिए, मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि भाई एक बार मेरे से तो पूछ ले कि मैं भी चलूं, और हमें ये पता है लेकिन हम फिर भी नहीं पूछ रहा है। हाँ ऐसे कपड़े मंगवाए इसने, मैं मेन गेट पे आया, कपड़े दिया, बोला कि ब्रेक डाली दिया कि मैं नहीं पूछा, तो बोलते कि तू चलता नहीं, मैं तो चलता, तो फिर चलो तो मैं वापस दौड़ा, एम्बर आया, जयान रूम पे सो रहा था, क्या कर रहा था कुछ कर रहा था रूम पे, ठीक है, ये बहुत लंबा कट हो चुका है, मना के इसको ना जयान को मनाया, और अपन फिर एम्बर कूद के बाहर निकले थे, जब कूद गए थे तो मैंने फोन किया कि तुम लोग कूद रहे हो, गया कूद चुके थे तो फिर मैं रह गया, इसके कूदने की वीडियो है मेरे, एक बार ये कूदा था और इसकी शर्ट फट के चार हो चुकी थी वो तो। तो सर हॉस्टल में कभी गार्ड या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई सीन, कोई सब प्यार का सीन जैसा सीन सर, कोई भी सीन, निखिल गार्ड्स तो दिखते नहीं, अपने हॉस्टल में तो दिखते नहीं गार्ड्स, होते हैं क्या, नहीं जगह पे तो रहते नहीं कभी, गार्ड्स को जगह पे रखना पड़ता है, रूम पे आ जाता है, थोड़ी रिश्वत देके भगाना ही पड़ता है, होता है यार, सब जोगे तुम अभी बच्चे हो समझोगे, मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ उसमें वीडियो में, अभी पड़ी होगी जसपर की गार्ड वार्ड वाली बकनी चाहिए मुझे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ओके सर, एंड आप लोग के फेवरेट सीनियर और उनके साथ इंटरेक्शन रूम में कैसा रहा, तो हो चुका ना एक बार पूछा था सर, फेवरेट सीनियर अगर वही मेंशन कर, मतलब बने थे जीरो थे में
एक आध थे तो ऐसे तो कुछ खास और सीनियर्स मिले नहीं। सेम आंसर आई वांट टू एग्री बट अगर मेरे सीनियर दिखेंगे किडिंग वी आर वेरी फनी। एंड सर कभी कोई सीनियर ने मीट बुला दिया हो आपने मटिया दिया कुछ बोल के फिर कुछ सीन हो गया? मैं कभी गया ही नहीं। हमारे सीनियर्स भी ऐसे ही थे वो खुद ही पहले कैंसिल और हमें ये बहुत अच्छे से पता होता था हमें हल्का सा उनको एक देंगे ना पॉइंट वो मटिया देंगे एक हफ्ते के लिए जैसे ये करते। सर कभी आप प्रॉक्सी देते हुए पकड़े गए या फिर आपकी प्रॉक्सी पकड़ी गई किसी प्रोफ के? हां फर्स्ट ईयर में भाई नहीं फर्स्ट ईयर में पकड़ी गई थी और मेरी प्रॉब्लम आई तो मेरी प्रॉब्लम आई लोग आए थे किसी की देने वो दो लगा पानी प्रोफ ने पहचान लिया क्योंकि एक एक बंदा जिस बंदे की प्रॉक्सी लगा रहा था आई वोंट से द नेम वो उस प्रोफ की इतनी उसका था फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ क्यों एक एक मेरा दोस्त था इधर ही बैठा उसका टैलेंट था फालतू क्वेश्चन पूछ रहा वो प्रोफ उस गया फालतू क्वेश्चन पूछ पूछ के तो प्रोफ को उसका चेहरा याद आ गया याद रहने लगा। तब दो बंदे गए प्रॉक्सी लगाने तो ऑब्वियसली प्रॉफ ने पहचान लिया कि ये बंदा तो वो नहीं है तो अब वो दोनों फिर अब क्या करें क्लास में भगाया गया था कि तुम खुद भागे थे। हुआ क्या जो पहला बंदा था जो पकड़ा गया खुद भाग गया ठीक है हाँ तो प्रॉफ ने देखा कि ये तो है नहीं अब वो उठ के चलने लग गया। अब जस्ट पहले बता देता दूसरा बंदा मैं ही था ठीक है और मैं लगाने गया था इसकी प्रॉक्सी सने की तो सीन क्या हो फर्स्ट बेंच पे इसका लगता है वो टीए आके अब फर्स्ट बेंच पे टीए ने पहचान लिया ऑलरेडी ठीक है इसको जानती है वो आके मुझसे पूछ रही है प्रॉफ के सामने तीन चार बार तू सनी कुमार है तो सनी कुमार हाँ मैं ही हूँ हाँ मैं ही हूँ आई कार्ड का कल आके दिखाऊंगा कल वापस आएगा हाँ वापस आऊँगा तू भी बैठेगा ना हाँ मैं ही बैठूंगा इतना हो गया होने के बाद फिर जो दूसरा दोस्त है वो पकड़ा है और फिर वो ऐसे भाग रहा उसका मुँह देख रहा हूँ उसका ठीक है और यहाँ से मेरा बैग मैंने दे दिया साइड में किसी को फिर रख लेना बैग लेके आ जाना बाद में पकड़े तो मतलब अपन सिर्फ DSW से ही जाते हैं। हाँ ओके तो मतलब प्रॉक्सी में क्या ही पकड़ेगा हाँ क्या ही पकड़ना। सर कंपैरिजन इन हॉस्टल लाइफ बिटवीन जास्पर एंड एम्बर दोनों का अलग अलग अपना टेस्ट है। हाँ जितना प्यारा मोमेंट एंजॉय किया है जो अपने इच्छा से किया हमने तो वो एम्बर में तो नहीं हुआ। हम लोग इधर फोर्सफुली या फिर ऐसे मजबूरी में तो करते हैं रोज ही उससे ज्यादा मजे करते हैं लेकिन वो इच्छा शायद नहीं रहती। मे बी सीन भी चेंज हो गया लाइक जो एम्बर जब हमारे समय था वो वाला सीन अभी वो वाला एम्बर नहीं रहा अभी ये भी एक जैस्पर 2.0 टाइप सी है। अब देख लो फाइनल ईयर में होके इधर एम्बर में हम बैठे हुए हैं तो क्या ही एम्बर है। पहले पता ना उस टाइम पे एम्बर में सिर्फ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रहते थे मतलब सफायर एंड डायमंड था नहीं। सर मतलब ये थोड़ा पर्सनली सर मतलब वही व्हाट हैज बीन योर आई हैव मेड इट मोमेंट कि हाँ मैंने आज कुछ कर दिया समथिंग लाइक दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग रिचमेंट ये सब का आई हैव मेड क्या होगा क्या था क्वेश्चन पूरा अब व्हाट हैज बीन आई हैव मेड इट मोमेंट मतलब अगर नहीं प्लेसमेंट तो नहीं मतलब मुझे अपने आप पे भरोसा अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एक भी बैकलॉग नहीं लिया हूं तो दैट इज वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी क्यों मैं पढ़ता तो कभी नहीं हूं ये तो उसके लिए भी है मेरे लिए भी है अब बाकी वाली मतलब ये इंटरेस्टिंग आंसर नहीं है वैसे मतलब अगर फर्स्ट में रखो तो भाई क्योंकि सारे पर्सनल आंसर हो जाएंगे। मेरा कोई है नहीं क्योंकि मैं इस सब में मानता नहीं हूँ। आई हैव मेड इट अगर मेरा कुछ आई हैव मेड इट मोमेंट हो जाएगा तो फिर मैं आगे लाइफ में क्या स्ट्राइव करूंगा क्योंकि अचीव करने के लिए क्या स्ट्राइव करूंगा तो मैं ऐसा कुछ है नहीं। सारे फर्स्ट सुन लो ये क्लैप कर देते आप कर लेते उसके लिए हम सर आप लोग का ग्रुप तो काफी क्लोज है सो व्हाट वुड यू से कि व्हाई इज योर ग्रुप द बेस्ट इफ यू थिंक ये
हमारे यहाँ सातवां बंदा आया नहीं है क्योंकि रहा था थर्ड ईयर तक हमारी फोटो भी नहीं थी साथ में सर मतलब सबसे जो स्पेशल चीज मुझे हमारे ग्रुप की लगती है जो सात लोग का ग्रुप है मैड हाउस मतलब इधर ऑन दी कैमरा हर किसी का इक्वेशन एक एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है है ना लेकिन हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के एंड से साथ में हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ मैड हाउस वो जो हमने ऐसा बिल्ड कर दिया या हाइप ही बोलो वो क्रिएट किया ना उसके लिए हम लोग हैं साथ और अभी तक हैं चाहे कुछ भी बक हो जाए हम लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ मतलब अगर दो लोग का अच्छा नहीं अगर दो लोग का अच्छा ना चल रहा हो तो कोई तीसरा या चौथा आ ही जाएगा उनको शॉर्ट करने के लिए चाहे हो नहीं हो वो अब फालतू का एफर्ट डाले लेकिन हो जाएगा उसे भी पता है कि हम में से कोई नहीं समझता एक दूसरे का और ये तो बेस्ट पार्ट है कि कोई समझता ही नहीं एक दूसरे का तो यही है सर जो मैड हाउस नाम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ग्रुप में आई गेस मतलब वो रखा गया मस्ती मस्ती में लेकिन बाद में एट द एंड नाम के वजह से ही सब चीज जो वी आर ऑल ड्रिवन क्योंकि हमें हमेशा मैड हाउस सुन के हमेशा हमारे सीनियर्स ने हमारे जूनियर्स हमारे बैचमेट्स हमेशा इस चीज़ को माने कि तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत रेयरली कोई ग्रुप रह जाता है मतलब एक तो जाता ही जाता है एटलीस्ट लेकिन हम लोग साथ के साथ अभी भी हैं अभी नहीं हैं लेकिन हैं सर तो एज अ ग्रुप आप लोग की कौन सी एक कोर मेमोरी है कि ये तो हमेशा याद रहेगी साथ ही एक बार हुए हैं प्रॉपरली 303 वो 14-15 थे एंड साथ में मतलब काफी अच्छा वाइब था तो वील कंसीडर दैट मेरे लिए तो रहेगा क्या था D303 इसके पहले भी तुम लोग ने मुझसे पूछा था कि जैस्पर वर्सेस एमर में विच हॉस्ट वुड आई प्रेफर मैंने ऑब्वियसली जैस्पर बोला था तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही था D303 उसका दरवाजे पे तो लिखा होगा बेबी मैड हाउस एग्जैक्टली सो उसको वीडियो में डाल देंगे सर दैट वाज द ओरिजिन ऑफ द मैड हाउस ओके क्योंकि भंड हो गए किसी ने वहां पे ड्रॉ कर दिया बस और मैं बता रहा हूँ उस रूम में इसका जो रूममेट था उसका रूममेट वो रूम छोड़ दिया क्योंकि मैड हाउस एक्वायर कर लिए थे उसे सात तो नहीं पांच क्योंकि मेरा रूम उसी फ्लोर पर बताया था स्टार्ट मतलब एक टाइम पे आ जाते थे ऐसे सोते टाइम चले जाते सेम लेन में थे साथ में सेम लेन सोते टाइम जिसको जहां जगह मिली वहीं सो जाते थे मतलब मैं तो 303 में ही सबसे ज्यादा सोया हूं और D108 में सेकंड नंबर पे अपने रूम से ज्यादा Sir, have you ever proposed any senior? I mean, yes. Not willingly, yes. But senior के कहने पे हाँ मैंने किया है first year. Senior ने किया है. नहीं वो भी चलेगा क्या? हाँ हाँ sir आप share कर सकते हो. तो फिर से only सो रहा है. Normal day. वो तो चला है. वो अलग बात है किसी और के साथ है. Sir और any junior? Junior को किया जो है junior से. कोई भी बता सकते हो आप आपका experience. Junior की बात मैंने करता हूँ. बाकी से मिलते हैं बाकी लड़की जूनियर ने सर को प्रपोज किया जानना है मुझे सर ने किया ये जानना है मुझे तुम लोग फिगर आउट कर लेना नंबर बता दे बस दोनों का समेशन बता अच्छा मैं बता रहा हूँ नंबर है 4 अब तो मजा हाँ? कौन सा वाला हुआ होगा सर ने किया होगा कि जूनियर्स ने चार जूनियर्स ने सर को किया होगा सर जूनियर्स ने करा होगा ऑब्वियसली आंसर है वो ऑब्वियसली एकदम ऑब्वियसली राइट सच पकड़ लिया सॉरी स्मार्ट तो है तू भाई स्मार्ट तो है बहुत ज्यादा अब अमर में थोड़ी बात सर हैव यू एवर ड्रंक डायल्ड योर पेरेंट्स एवर मतलब तीन दिन पहले की बात है तीन डेढ़ बजे मम्मी को कॉल कर दिया डेढ़ बजे मम्मी को कॉल कर दिया और उस कॉल पर आया मम्मी का मैं देख रहा हूँ और भंडी था मैं तो
उठाया मैंने फोन की कुछ इमरजेंसी, वो डेढ़ बजे कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे तुमने कॉल किया था मेरे को, अच्छा ठीक है रुको नहीं किया कॉल मैंने, एक इंसिडेंट था, मतलब मैं काफ़ी हाई था और मतलब फीस भरनी थी, मतलब घर पर जैसे पापा फीस भर रहे हैं और वो मुझे फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं फिर उसके लिए, तो मैं उठा लिया। अब मैं कुछ बोले जा रहा हूँ कि ये हो गया इतना, इधर ट्रांसफ़र उधर ट्रांसफ़र, वो कह रहा तू क्या बोले जा रहा, तुझे खुद समझ में आ रहा है, इधर ऐसे चल रहा था। तो एक वो मेमोरी है ये जसपर की। सर मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि यू हैव टू से व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड व्हेन यू हियर दिस वर्ड्स। गॉट इट। सर तो पहला है ए बी, रीसेंट बेस्ड ऑन रीसेंट एक्टिविटी, क्या ए बी सरकार तो साड़ी अपनी, क्या एब्सोल्यूट बारबेक्यू, हां हां आसनसोल 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 ये गया था ना। अच्छा ए बी के बाद चिल्ला ये वाला डालना फिर। हेरिटेज क्या हेरिटेज हेरिटेज सजावट फेयरवेल जॉब ट्रीट वाला फेयरवेल जॉब ट्रीट वाला फेयरवेल टाई खोली हुआ था। प्रॉक्सी माल दे भाई कोई जूनियर यार। प्रॉक्सी ना तो सेकंड ईयर। हां अच्छा याद आया, कल तुम लोग में से किसी को जाना तो पड़ेगा। मतलब प्रॉक्सी के बाद जूनियर। प्रॉक्सी से तो जूनियर ही आएगा तुम। मैं कल एक्चुअली जाना पड़ेगा। वेकिंग अप फॉर द क्लास एट 8 AM। छोड़ देते हैं। मेरे 2 बजे होती है। मेरी डिफॉल्टर लग चुकी है इस चक्कर में। नहीं मेरी नहीं होती क्लास, मेरी भी 12 बजे होती है। मैं क्लास चले जाता हूं। थोड़ी लकी है इस बार। हमारा लॉकडाउन आ गया। क्योंकि मुझे क्लास में बहुत मजा आता था, मैं चले जाता था जब से निकाल दे देते थे बैग के साथ उसको निकाला। मतलब फेस्ट देखो बेस्ट फेस्ट वेस्ट, मतलब वो 3 दिन वो स्ट्रीक रहती है दारू पीने की, वो भी देखता है, रामू भी देखता है, उनको मजा आता है। पांडे वो उस दिन अमूल वाला डीए लोडिंग सर मटके। आंसर आखिरी है राम मनोहर। ये तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन हां डालना है, ये डालना है सुना है। ओ भाई सर एंड में आप लोग मतलब अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर कर सकते हो सर, और आप लोग अपने एंड से कुछ शेयर करना चाहें। अपने इंट्रो ले लिया था अपने बैच में। ओ हां स्टार्टिंग में जा जाके रूम में जो नहीं बोल रहा करता रहता था और फिर निखिल के रूममेट ने कैमरा निकाल दिया था, हम लोग भी फर्स्ट ईयर। हां कौशल था सॉरी, फिर एक हमारे फ्रेंड के रूममेट था वो भी कैमरा निकाल लिया जब कर रहे थे, तो हम लोग भी फर्स्ट ईयर ही थे, तो फटी भी रहती थी कैमरा देख के और फट गया, फिर हम लोग वहां से भाग गए थे। मेरी बात ये था कि हमें पता चल गया था कि उसका बाप प्रोफेसर है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स हैं उसके। मतलब हम लोग के किसी फैमिली मेंबर्स को आने नहीं दिया था, उसके घर वालों को जैस्पर के अंदर घुसने दिया था। वो ये था नहीं उसके भी मम्मी पापा थे ना, कॉन्टैक्ट से तो डॉक्टर है ना, इससे में काम हो जाता। तेरे पापा को तो अंदर आने दिया था ना? नहीं दिया था। और इससे सुनो, निखिल से जब मैं पहली बार मिला था लेजिट पहली बार रात के 3 बजे, उस दिन ये भी था साथ में, मैंने और इसने इसे रिलेशनशिप एडवाइस दी, जैस्पर के दीवार पे अभी भी होगा वो 3 नाम में से किसे चूज करना है वो मैंने बताया है, और ही रियली 31 दिसंबर को ब्रेकअप हुआ है इसका। पी नहीं रहा था, मैंने इसे बताया वो एडवाइस, मैंने नहीं दी थी। हमने बोला आया होगा कैमरा पे, आया मैंने, हां कैमरा पे मैंने ही आया, हमने रिकट हमने मैंने वो रोने लगा भाई, अभी वो खुश है, अभी उसको कोई जितना गार्ड्स को ही जानता होगा ना उतना कोई जानता होगा। कौन ये निखिल तो सारे इसके चाचा ताऊ रिलेशन तो यही है भाई, बन तो जाते हैं। अरे इसके अंदर एक चुल्ला है ना, अगर लड़की कौन सी वाली वो छोटे गाड़ी में चल जाएगा बातें करने में। अरे फायदा रहता है, फर्स्ट टाइम जैसलमेर में था मैं लेट आता था, 2-3 बजे आता था रात को, एंट्री मिल जाती है मटकू वाले गेट से, अगर वो नहीं है तो बीटेक वाला जो तुम्हारा गेट होता है ना बंद हो जाता है, जो नीचे मोमोज को मैं खिलाता था फिर एंट्री होती, वो तो विकास को खिलाता था ना तू। हाँ तो वो जो भी रहता था मोमो ही खाता था फिर एंट्री होती थी, तो मेरे से लेट आते थे। और भाई निखिल तुझे जो गार्ड दौड़ाया था उसका क्या,
वो गार्ड से नहीं बनी क्या? हेड ऑफ गार्ड से नहीं बनी, उस गार्ड से बनी। पकड़ लेगा ये बात है, हेड ऑफ गार्ड से नहीं बनी। ये बंड होके सैक में छुपा हुआ ऐसे कि नीचे जाके कपड़े अपने उनको याद भी नहीं होगा, लेकिन वो यही था, उसको याद नहीं होगा। तो श्रीजन की बात है, मैं एकदम भंड था, तो एम्बर ग्राउंड में अपना चल रहा था सब, तो ऐसे रामू की गाड़ी आ रही थी, ठीक है, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को शायद से डेवन को हम लोग हमेशा पकड़ा है इस बार तो श्रीजन हुआ, तो ऐसा सीन हुआ, मेरे दोस्त ने मजाक में मेरे को गाड़ी के सामने धक्का दे दिया और मैं रामू की गाड़ी में आके बच गया ऐसे, और मैं भंड हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामू निकलता है बाहर, बोलता है इसको इधर लेके आओ, मेरे को तीन गार्ड ने ऐसे पकड़ लिया हाथों से, कह रहा इधर आओ। मैंने गार्ड को धक्का दिया और मैं सैक की तरफ भागा और मेरे पीछे दो तीन गार्ड भाग रहे हैं, लेजेंड में ऐसे भाग रहा हूँ और पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सैक के उस साइड जंगल है ना एक, वहाँ जाके लेट गया मैं, सिनेमैटिक वहाँ, हाँ लेजेंड ऐसा ऐसा था एकदम, तो लेट गया वहाँ जाके ऐसे अंधेरे में लेटा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे। अबे निखिल वो बोलन का मेमोरी फुल हो गया भाई, ठीक है, हाँ भाई बच गया था फिर उस दिन में। क्योंकि अब नाम लेने लायक रहे नहीं है भाई, वो अकेली नहीं, दो लोग और थे, एकदम सिनेमैटिक मोड में मिला था मैं तो सैक में मिला था, वो मेरी अभी भी दोस्त है, अच्छी दोस्त है। मैं बुर्रा थे और पीछे दो लड़की बैठी हुई थी, उनसे मैं बात किया था पेट्रो के यहाँ, तो वो मेरे अभी भी अच्छे दोस्त है, तो मैं सैक में ही मिला था। पहली लड़की अगर आए थे, सॉरी मैं फेसबुक पे बहुत लोग को मैसेज किया था सैक से इसके पहले। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसे था, जब ये जूनियर से इंट्रो मांगा था पार्ट लिया था अपने फर्स्ट ईयर में, तो उसके थ्रू हुआ था मेरा, वो अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त। पूछा था कैसा लग रहा था मेरा डांस, अच्छा मैं दे लूं आंसर, लग रहा था मेरा डांस, आपका नंबर दे दो, नंबर तो कोई बड़ी बात थोड़ी होती, म्यूट निखिल को नहीं मिलता नंबर, अभी नंबर नहीं मिलते, नंबर नहीं दोस्तों से लेता है भाई, नंबर ये कौन सा नंबर समझ रहे भाई, मेरे को नहीं पता भाई, लेजेंड तारा भी क्या बोला सनी, क्या 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 ह्यूमन इंटरेक्शन फीमेल मैसेंजर बॉय। Oh, shut up. I won't dive into details. Oh. एक सेकेंड. मुझे भी याद आ रहा है हर किसी के फोन से। हेलो नहीं नहीं अबे है क्या तू कुछ भी, ये तो भाई स्टोरी का आंडू फांडू कुछ भी बना मेरा है। मेरे फोन से तो भाई तू तीन लोगों को मैसेज कर चुका है, जो स्पीकर वाला। ओ ओ यस भाई, वही मजा आया। अरे अपने साथ बुर्रा था ना उस टाइम, बुर्रा था लोनावला में एक बार हुआ, नहीं बुर्रा पहले तो बहुत लेट है, फर्स्ट ईयर की बात है। अच्छा फर्स्ट ईयर, अरे अपने से बहुत ही करते थे ऐसे जैसपुर में, एक बार तुम्हारे पास स्पीकर नहीं है, कॉरिडोर में लगे रहते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्पीकर रख के उसे फोन चला दी थी, और ऐसे आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है नीचे से आवाज़ आ रही है, ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं। ये फोन में था निको के साथ, इसलिए सब बाहर आ गए। अलीश बोलो दोबारा, बोला अलीश अलीश